तो यहाँ पर लास्ट में ये मैन्यूस्क्रिप्ट को समझने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर इस तरीके का कोई डिज़ाइन होता था तो इसको हम पी मानते थे, ये वाला आकार टी कहलाता था, और इस तरीके से ये ओ यहाँ पर ये लाइन का है तो एल, यहाँ पर ये वाला जो आकार था उसको एम, बाकी इन दोनों को आई और ये एस कहलाता था। ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ भी दिया गया है कि ये वाला जो शेप थी वो के, फिर ये एल और ये वाली आई, ये फिर ओ और ये वाला जो फिर स्क्वायर टाइप है ये पी, और ये बर्ड का जो है वो ए कहलाएगा, और उसके बाद डी और ये आर। तो इस तरीके से जहाँ पर भी ये सब आकार हुआ करते थे तो हम इन लेटर्स से उनको डिनोट करते थे। रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हियर एंड एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड विच कंटेन inscriptions in three different languages, Sanskrit, Greek and two forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche, and they then they placed the Greek and the Egyptian side by side and identified the sound of which the Egyptian letter stood. As we can see, a lion stood for L and the bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. जो मिस्र के उत्तर तट पर जो रोसेटा नाम का एक कस्बा वहाँ पर है, यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिले हैं उस पर लिखा हुआ है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं या लिपियों में लिखे हुए हैं। यूनानी मिस्र लिपि दो प्रकार की लिपि में लिखे हुए हैं, और कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जो राजा और रानी हैं उनके नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जो ऊपर मैंने आपको अभी दिखाया था। ये कार्तूश कहा जाता है, इसे कार्तूश कहते हैं, और इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल जो अक्षर है वो लायन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर शेर के लिए, और जो ए अक्षर है, ए अक्षर यहाँ पर चिड़िया के चित्र बने हैं, चित्र को डिनोट करता है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।